ठीक है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर बीच रास्ते में सामान रखने को लेकर हुए विवाद में एक महिला ने सिपाही को चप्पल से पीट दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। हालांकि इस दौरान बीच बचाव के लिए आए लोगों से महिला भी भिड़ती नजर आई। किसी तरह जीआरपी की एक महिला सिपाही ने दोनों पक्षों को शांत कराया। रेलवे पुलिस ने वीडियो वायरल होने पर घटना को संज्ञान में लेते हुए पूरे मामले की रिपोर्ट लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को भेज दी है। हालांकि दोनों पक्षों में से किसी ने अपनी शिकायत दर्ज नहीं कराई है। वीडियो में एक महिला और व्यक्ति की सिपाही से हाथापाई होती दिख रही है, जिसमें एक सिपाही फुटओवर ब्रिज पर रखे सामान और बच्चों को खेलते देख चिल्लाता दिखा। वहीं एक व्यक्ति सिपाही पर बच्ची के हाथ तोड़ने की धमकी का आरोप लगाता दिख रहा है। आरोप है कि सिपाही शराब के नशे में गाली गलौज और विवाद की स्थिति पैदा कर रहा था। इस दौरान भड़की हुई महिला विरोध जताते हुए सिपाही से भिड़ गई। सिपाही द्वारा महिला को डंडा मारते हुए और धक्का देने पर उसके साथ मौजूद व्यक्ति उसको पकड़ लेता है और हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान कुछ लोग भी सिपाही और महिला के विवाद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन महिला सिपाही को पीटने के लिए सबसे उलझ जाती है, जबकि एक महिला सिपाही उसको रोकने की कोशिश कर रही है। लखनऊ चारबाग जीआरपी इंस्पेक्टर अंजनी कुमार मिश्र ने बताया कि गुरुवार देर रात लखनऊ कमिश्नरेट में तैनात सिपाही अरुण गाजियाबाद के लिए ट्रेन पकड़ने आए थे। इसी दौरान बाराबंकी निवासी इरशाद को बीच रास्ते सामान रखने को लेकर टोक दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। इसी बीच इरशाद के साथ मौजूद महिला का सिपाही से विवाद हुआ था। जीआरपी की महिला सिपाही ने यात्रियों की मदद से दोनों पक्षों को शांत कराया। हालांकि दोनों पक्षों ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई से इनकार कर दिया है। वीडियो वायरल होने पर घटना को संज्ञान में लिया गया। उसके बाद अधिकारियों को घटना की जानकारी देकर पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार कर लखनऊ पुलिस को भेज दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।